मॉर्निंग राधे राधे तो यहाँ पर मैं सुबह से लग चुकी हूँ काम पर और मैं क्या लग चुकी हूँ सभी सुबह का काम तो सभी ही करते हैं लगभग सबके घर में ही यही काम होता है कि साफ़ सफाई करना झाड़ू डस्टिंग वगैरह वो सब और पोछा वगैरह लगाना तो साफ कर देते हैं ना थोड़ा सा साफ सफाई सुबह की जो हो जाती है ना तो एक बार मैं तो नज़र घुमा के सब खुद देखती हूँ अपने घर को न क्योंकि खुद हम मेहनत करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि भई हम हमने कुछ काम किया है होता है ना सबके साथ ही यही होता होगा मेरे साथ तो बिल्कुल होता है भाई मैं तो देखती हूँ एक बार तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ और बाकी देखिए आप फ़ोटो देख लीजिए मेरी और हम दोनों की फ़ोटो है और कल है मकर संक्रांति तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आप लोग मकर संक्रांति कैसे मनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे यहाँ तो देखो मेरे यहाँ तो खिचड़ी का बहुत ज़्यादा वो है खिचड़ी तो देखिए ज़रूर बनती है मेरे घर पे ना और बाकी पता है जो तिल का वो बनता है ना वो भी ज़रूर बनता है आप लोगों के यहाँ कैसे होती है गुड मॉर्निंग राधे राधे स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं और सुबह का काम मेरा ख़त्म हो चुका है जैसे कि सब्जी वगैरह भी सब बना दी मैंने क्योंकि ना नह, नहाने के बाद ना सीधे मैंने काम कर लिया पहले क्योंकि मेरे बाल हो रहे थे गीले फिर काम करके ना थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई दस मिनट के लिए ना थोड़ा बाल वाल सुखाए वहाँ बैठ के क्योंकि बहुत ना अगर बाल गीले होते हैं ना तो ठंड सी लगती है हमें तो इसलिए ना मैंने आज आपसे बात नहीं की और अभी मैंने खाना पीना भी तैयार कर दिया है तो वो तो अब कुछ शेयर करेंगे नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ शेयर करेंगे शाम तक आपसे तो मैंने कहा ब्लॉग शुरू कर देते हैं और ब्लॉग शुरू हो जाता है तो फिर हमारा चलता ही रहता है कंटिन्यू चल तो सुबह से है सुबह से बनाया मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप ली लेकिन मैंने कहा शाम तक कंटिन्यू रखूँगी फिर कुछ ना कुछ आपसे शेयर करूँगी तो अभी तो कुछ नहीं शेयर कर रही मैं अभी तो खाना पीना बनाने जाऊंगी मैं अभी रोटी बनाऊंगी खाना पीना नहीं मतलब रोटियां सेकूंगी बस और सब्ज़ी वगैरह बना दी है मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि सब्ज़ी वगैरह बना के फिर मैं छत पर चली गई थी थोड़ी देर के लिए ना धूप लेने के लिए धूप मौसम अच्छा हो रहा है धूप निकल रही है धूप निकल रही है तो अब बना लेती हूँ पहले मैं खाना और फिर आप लोगों से मिलूंगी खाना बनाने के बाद तो अभी चलते हैं किचन में किचन में मुझे रोटियां सेकनी है और किचन में आने के बाद मैंने खाना पीना सब कुछ बन गया और सबने खा भी लिया बस मैं रह गई तो मैं अभी अपनी प्लेट लगाऊंगी मैंने क्या है पहले पूरा काम ख़त्म कर दिया सब किचन वगैरह सब क्लीन कर दी सब साफ हो गई बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करके रख दिए और अब मैं अपना खाना लेके जाऊंगी बस और बाद में ना बस मेरी प्लेट हो जाती है बस बाकी कुछ भी नहीं छोड़ती उससे पहले ना खाना देखिए सब बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करके रख दिए बस अभी अपनी प्लेट साफ़ करने आऊँगी ना तब ये बर्तन सेट कर दूँगी जो भी बर्तन मुझे लगाने होंगे तो उनको मैं रख दूँगी और बाकी पहले मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे और ये हो रहा है शाम का टाइम और शाम को मुझे बनानी है चटनी और चटनी बनानी है मुझे प्याज और टमाटर की तो जिसकी और यहाँ पर मैंने चार प्याज काट लिए हैं चार ही लिए बड़े बड़े टमाटर और बड़ी बड़ी प्याज और उसके बाद मैं इधर ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए कढ़ाई में तो मैं बनाऊँगी क्योंकि ये चटनी ना कई दिन के लिए ख़राब नहीं होगी तो इसलिए मैं बना के रख लूँगी इसको क्योंकि कई दिन चल जाएगी चार पाँच दिन जो भी चल जाएगी ना ये ख़राब नहीं होगी ये चटनी थोड़ा अच्छे से भून लो ना तो ख़राब नहीं होगी तो इसलिए मैं बना के रख रही हूँ इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि इसे ना बच्चे जैसे कि सब्ज़ी है कुछ उसके साथ भी खा लेंगे और जैसे कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही है ना तो उसके साथ भी खा लेंगे तो आज तो स्पेशल इस इसके साथ बनेंगी रोटियाँ और वो भी मेथी वाली रोटी जो कि अभी मैंने पराठे बनाए थे ना उसी तरीके का आटा मार के मैं हाथ की पनफती बनाऊंगी आज इसके साथ में ना चटनी के साथ में वो खाने वाले हैं आज बच्चे तो उसके लिए मैं ये देखिए चटनी बना रही हूँ तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी मैं और यहाँ पर ना मैंने ऑयल डाल दिया इसमें कढ़ाई में जो कि मैं सरसों का तेल यूज करती हूँ रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती और उसके लिए डाल दिया है मैंने गरम हो चुका है तेल तो हींग जीरे जीरा डाल के और उसमें डाल दिया अपनी प्याज और ये जो प्याज है ना इसको थोड़ा अच्छे से भून लेंगे इसको ना जब तक चलाती रहूँगी जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाती इसको ना मैं चलाती रहूँगी बीच बीच में थोड़ा सा मतलब गैप दे दे के ना चलाती रहूँगी इसको बंद नहीं करना है और ये चटनी ना सच में बहुत अच्छी लगती है आप अगर मतलब एक बार बनाओगे ना तो इसको सोचोगे कि बार बार बनानी है फिर तो इसलिए ना ये वाली चटनी बहुत ही अच्छी लगती है जो कि हम किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं पराठे के साथ वैसे भी ले सकते हैं जैसे कि सब्ज़ी बनी हुई है सब्जी के साथ में थोड़ा सा रख लो ना तो चटनी से क्या होता है चटनी हो अचार हो उससे एक अलग ही वो आ जाता है खाने का टेस्ट ही बढ़ जाता है और जैसे मेरे बच्चों को तो पनफती रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है तो और इसके लिए मेरी प्याज ना ब्राउन हो चुकी है तो थोड़ा सा ना मैंने हल्दी पाउडर ना भून लिया है पहले हल्का सा कलर की वजह से ना थोड़ा सा मैंने कब भून लिया है उसके बाद में डाले हैं मैंने मसाले तो मसाले में वही धनिया पाउडर और लाल मिर्ची और यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची रंग वाली जो होती है ना वो यूज करूँगी एक चम्मच वो डालूँगी और उसके बाद में नमक थोड़ा सा और उसको मिक्स कर दूंगी और जो वो होता है ना जैसे जीरा जो भून के रख लेते हैं एक चम्मच वो भी ऐड करूंगी इसमें उससे हमारी चटनी का ना बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है और उसके बाद में डाल दूंगी जो अपने भून के रखे हैं ना मतलब जो कट करके रखे हैं टमाटर उनको ऐड कर दूंगी इसमें और ये ना चला दूँगी मिक्स कर दूँगी इसको अच्छे से मसालों में थोड़ा सा मसाला ना मिक्स हो जाए और ये सा सारे मसाले मिक्स करने के बाद में ना इसको मैं ढक के रख दूँगी और इसको ना चटनी को जैसे बीच बीच में ना चलाते रहना है दो चार मिनट के गैप पे ना इसको चलाते रहना है और जो टमाटर होते हैं ना जैसे हम साथ में ही नमक डाल देते हैं ना तो वैसे भी हमारे टमाटर ना गल जाते हैं तो मैंने ना इसको मिक्सी में नहीं पीसा क्योंकि मिक्सी की चटनी ना इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब दर्दरापन जो रहता है ना वो अच्छा लगता है तो मैंने फिर ये चटनी मिक्सी में नहीं पीसी मिक्सी की चटनी उतनी अच्छी नहीं लगती है और एक चटनी ना पहले भी मैं डाल चुकी हूँ ये वाली चटनी ना चैनल पर डाल चुकी हूँ मैं काफ़ी टाइम पहले बनाई थी शुरू शुरू में जब तो ये देखिए इसको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी चटनी को तो सच में एक अलग ही टेस्ट हो जाता है पता है ये चटनी पनफती रोटी बनाए तो हम हमें ना थोड़ा सा अपने गांव की याद आ जाती है कि जैसे गांव गांव में ना बनाया करते थे मैं तो पता है मैं तो मम्मी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाया करती थी जैसे कि मतलब स्कूल में ना बच्चे लेके आते थे जैसे लाल मिर्च की चटनी होती है ना स्कूल में बच्चे लेके आते थे और मैं घर पे आके ना जिद किया करती थी <laughs> कि मुझे भी चटनी बना के दो जैसे वो बच्चे लेके आते हैं तो होता है ना बच्चों को ऐसा तो मुझे भी ऐसा ही था तो देखिए मेरी कितनी यम्मी सी चटनी और देखना कितनी कम रह गई ना इसको भूनने के बाद में और उसके ऊपर से डाल दिया मैंने धनिया पत्ती जो कि हर चीज़ का ना एकदम देखने का अलग ही वो कर देती है और देखिए यहाँ पर मैंने ये चटनी ना पलट के रख ली है बड़ी कटोरी में और कितनी टेस्टी चटनी लग रही है ना यम्मी जितनी देखने में लग रही है ना उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी है ये जो कि किसी भी चीज़ के साथ खाइए पराठे के साथ खाइए तो देखिए बहुत ही चटनी अच्छा। और ये देखिए तो चटनी मेरी बन चुकी है और उसके बाद में मैंने लगा लिया था आटा और जो कि आटा लगाया है मैंने मैथी का मेथी वाला आटा जो आपने देखे ना मेथी के पराठे वही वाला आटा लगाया लेकिन इसमें ना मैंने दो तीन आलू ऐड कर लिए थे कद्दूकस करके तो उस उससे ना और ही अच्छा बहुत अच्छा वो हो जाता है रोटी ना बहुत टेस्टी लगती हैं तो और बच्चों को तो ना सिर्फ यही खानी थी कि हमें चटनी से ही खाना है आज तो देखिए मैं रोटी बना रही हूँ तो इस तरीके से ना हाथ पे हल्का सा मतलब एक बार बेलन लगा के और थोड़ा सा घी लगा के ना देसी घी लगा के और उसको हाथों से मैं बना लेती हूँ हल्का सा घी लगाती हूँ उस पर और हाथों के इसी तरीके से मैं मक्के की रोटी भी बना मक्के की रोटी तो पानी लगा के बनाती हूँ और इस ये वाली रोटी में ना थोड़ा सा टाइम लगता है धनिए इसकी रोटी जो बनती है ना मेथी धनिए की तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये धीरे धीरे सेकनी चाहिए मीडियम गैस पर तो ये ना बहुत करारी करारी सी हो जाती हैं रोटियाँ और अच्छी भी लगती हैं मतलब किस किस को पसंद है मुझे बताना चटनी से रोटी देखिए भाई मेरे बच्चों को तो पसंद है क्योंकि गांव की चीज़ें मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें और इसके साथ रायता हो बहुत ही अच्छा लगता है शाम के टाइम मैंने रायता नहीं बनाया तो देखिए मेरी प्लेट भी लग के तैयार हो चुकी है आलू टमाटर की चटनी आलू टमाटर की सब्जी है और चटनी है साथ में और रोटियां हैं और रोटियों को ना थोड़ा सा मसल के तब लेते हैं बच्चे तो देखिए आप भी खा लीजिए कितना यम्मी सा खाना है गाँव की याद आ जाएगी खाना पीना बन चुका है हमारा और खाना खा भी चुके हैं और टाइम भी बहुत हो रहा होगा शायद दस बज रहा दस बजे का टाइम होगा रात के दस बज रहे हैं और बहुत टेस्टी चटनी बनी थी सच में <laughs> बनी क्या थी? देखो मैंने तो और भी चटनी डाल रखी है वैसे चैनल पे कई चटनी जैसे कि मैंने सेजवानी चटनी डाल रखी है ना उसको भी एक बार ट्राई करना और ये वाली चटनी भी ना, इसका क्या है इसमें तो बस मतलब थोड़े दिन में ख़त्म करना होता है और जैसे सेजवानी चटनी है ना उसको तो आप एक महीने भी रख लो आराम से वो उसको वो ख़राब नहीं होने की तो एक बार जरूर देखना अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है ना सेजवानी चटनी की तो आप एक बार ज़रूर देखना उसको जाके तो बहुत अच्छी चटनी थी और ये वाली चटनी भी बहुत अच्छी बनी जो कि हमने तो पता है मैथी के साथ बनाई जैसे मैंने बताया ना वीडियो में कि प्रांशु ने बोला मेरे लिए ना अलग आटा मार दिया करो <laughs> तो फिर मैंने और आज तो उसमें ना आटे में मैंने थोड़े से ना आलू भी मिक्स कर लिए थे और उसकी रोटी बनाई बहुत टेस्टी रोटी बनी सच में बहुत अच्छी क्योंकि पनफती बनाई थी हाथ पर थोड़ा सा घी लगा के और पनफती रोटी और बहुत चटनी के साथ में बहुत अच्छी लगती है रायता हो ना तो और भी अच्छी लगती है लेकिन मैंने शाम को ना बनाया नहीं था क्योंकि सब्जी थी साथ में तो फिर मैंने कहा चल जाएगा बिना रायते के काम चल जाएगा और रायता होता है ना तो बहुत फिर सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती <laughs> बिना सब्जी के चटनी से बहुत मतलब घी भर भर के उसमें खाओ ना बहुत अच्छा लगता है ना <laughs> सच में अब देखो कि कभी कभी क्या होता है कि हमें सब्जी का बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का तो इस तरह की चीज़ें ना अच्छी लगती हैं और मेरे घर में तो क्या होता है जैसे कोई चीज़ ना बच्चों को पसंद नहीं है तो मैं क्या करती हूँ मैं चटनी बना के रख लेती हूँ और वो ऐसा नहीं है कि ये वाली चटनी बना के रखती हूँ कभी धनिए की कभी मतलब बदल बदल के बनाती रहती हूँ हमेशा तो बच्चों को भी थोड़ा सा अलग सा वो हो जाता है कि अब की बारी ये वाली तो हर चटनियों के टेस्ट ले रखे हैं बच्चों ने तो कौन सी वाली चटनी क्या और हर चटनी अपनी अपनी जगह पर सब अच्छी होती हैं और सबसे ज़्यादा पसंद आई बच्चों को सेजवानी चटनी वो सबसे ज़्यादा पसंद आई और वो मैं दो बार तो शायद अभी बना चुकी हूँ एक बार ट्राई इसमें शेयर नहीं की थी आप लोगों से और अब की बार पता है मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ लेकिन बनी नहीं पा रही है और पता है अभी मैंने मिर्च भी मंगा ली थी क्योंकि उसमें ना ला लाल वाली जो मिर्च होती है ना उससे बनती है वो वो भी मंगा ली थी मैंने साबुत वाली लेकिन फिर भी अभी मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा ऐसे ही बिजी 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 हो जाता है टाइम नहीं मिल रहा और चलिए तो फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जो न्यू चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और पता है जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं ना वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जो ला लाल वाला बटन होता है ना जो सब्सक्राइब लिखा होता है उसको क्लिक करिए तो चलिए फिर बाय बाय